हुए खबर कालका से है, जहां शक्ति रानी शर्मा का चुनाव प्रचार तेज, गांव हरा घाट पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, जहां ग्रामीणों ने हिमाचली टोपी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। लोगों से संपर्क कर वोट देने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा। आपको बता दें कि कालका से बीजेपी की प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा, जिनके समर्थन में इस वक्त चुनाव प्रचार करते हुए जनता के बीच वोट की अपील करते हुए पंडित विनोद शर्मा नजर आ रही हैं। और आपको बता दें शक्ति रानी शर्मा का चुनाव अभियान तेज होता हुआ नजर आ रहा है, लगातार तमाम चुनावी दौरे किए जा रहे हैं, जनता के बीच तमाम बड़े वादे जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा जब आपको बता दें वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों ने हिमाचली टोपी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरों में आप उस हिमाचली टोपी को देख सकते हैं जो इस वक्त पंडित विनोद शर्मा के सिर पर नजर आ रही है, और इसके साथ ही उनका जोरदार स्वागत किया गया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में वोट की अपील जनता से की है। तो कालका से बीजेपी की प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा, जिनके समर्थन में वोट की अपील करते हुए पंडित विनोद शर्मा जनता के बीच नजर आ रहे हैं, और जो जनता के बीच एक प्रेम है वो देखने को मिल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खबर पिंजौर से है शक्ति